आदमी का ही काम करता है, हम उसका सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि उसका सही तरीके से सम्मान करें और सही तरीके से सेफ्टी से काम करें। दूसरा है मटेरियल शिफ्टिंग, लोडिंग अनलोडिंग करते समय हमें विशेष चीज़ों का ध्यान देना है। एक्चुअली क्या होता है कि हम सिग्नल देते देते उस माल के नीचे ही पहुँच जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। सही तरीके से दोनों साइड में हमें गाइडलाइन जो बनाई गई हैं उनको सही तरीके से लगाना है, चारों साइड से बैरिकेड करना है ताकि उस पर कोई आदमी आ ना पाए। इसके बाद में हमें जो भी मटेरियल रखना है उसको सही तरीके से रखना है, सजा कर रखना है, और जो पाइप रखते हैं उसको मैं सही तरीके से टेक लगा के रखना चाहिए ताकि वो पलटी ना हो सके। तो ये हो गया लोडिंग अनलोडिंग का, मतलब सही तरीका काम करने का, और अच्छे तरीके से काम करो। अब लेते हैं तीसरा है बिजली का कार। बिजली का कार करते समय हमें विशेष चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। जहाँ भी हमारे पैनल्स हैं वहाँ पे सबसे पहले एक रबर्स का वो होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रीशियन जब भी काम करें तो उनके हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, और सही तरीके से वहाँ पे NCV काम कर रही है नहीं कर रही है, जो बिल्डर भाई हैं उसमें सही तरह से प्रॉपर तरह से वो देखें कि उसमें अर्थिंग है या नहीं है, मशीन सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसको सब कुछ ध्यान देना है। और मैं थोड़ा थोड़ा ही करके सब कुछ बताऊंगा। इसके बाद में मैं लेता हूँ कार और वाहन। वाहन चलाते समय विशेष चीज़ों का ध्यान देना है कि जब भी वाहन चलाया जाता है तो उसमें सही तरीके से उसका ब्रेक ये सब चीज़ें चेक करना है, उसमें ऑयल पेट्रोल जो भी है डीजल जो भी है उसको सही तरीके से चेक करना है। इसके बाद में दो जब भी आगे पीछे करेगा वो सिग्नल होना चाहिए, सिग्नल के हिसाब से फिर उसकी ट्यूनिंग जो है वो भी होना चाहिए। इसके बाद में क्या होता है कि मैं कुछ दिन पहले दो दिन पहले देखा था कि आदमी जब रूम से आता है तो वो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर लेता है, जैसे कि टेलर में खुला टेलर में आदमी लोग उसमें से बैठ के आया था। इसके लिए मैं चाहूँगा कि ऐसा गलती ना करें, और वो इतने खुशी में थे कि ऐसा लग रहा था कि वो PMW कार में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना भाई, वहाँ से रूम से आना है और रूम से यहाँ जाने के बाद में भी सही तरीके का इस्तेमाल करना है। फिर बात करते हैं गहरी खुदाई का कार करते समय हमें विशेष चीज़ों का ध्यान देना है कि चारों साइड से हमें पहले स्क्रैप फोल्डिंग का एक सही तरीके से वो लगाना चाहिए ताकि अंदर कोई आ ना पाए, और मट्टी को जो कटाव है वो सही तरीके से काटा जाए ताकि मतलब सकने का उसमें कोई चांस न रहे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कामगार भाई रहते हैं और उसके ऊपर से हो सकता है कि नेट हमें लगाना चाहिए ताकि उसमें कोई परेशानी न हो। अब बात मैं करता हूँ मैं कुछ शायद अब कहना चाहूँगा सेफ्टी थोड़ा थोड़ा करके हर पॉइंट बता रहा हूँ, ऐसे बताऊँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए अभी काफ़ी लोग हैं तो मैं सेफ्टी के बारे में कुछ शेयर कहना चाहूँगा। मार गोली वे वफा को चाहे विस्ले हो कर सेफ्टी सुरक्षा से काम चाहे सेफ्टी वाला कितने दूर हो। चांदनी चौक का नज़ारा नहीं होता सेफ्टी दिवस में आप सभी का नज़ारा नहीं होता, ना करोगे आवारा गिरी तो दुर्घटना का कोई कारण भी नहीं होगा। मेहंदी रंग लाती है सूखने के बाद सेफ्टी सुरक्षा करना है सबको मिलकर एक साथ। अब मैं एक निबंध कहना चाहूँगा जो पर्यावरण के बारे में, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। प्रस्तावना आज के वैज्ञानिक युग सर्वत विज्ञान का घोष हो रहा है, आकाश में पक्षियों के समान उड़ना एवं जल में मछलियों के समान तैरना, स्थल परस्त गति से चलना किसने सिखाया। विज्ञान ने भूखों को भोजन, निर्वस्त को वस्त्र एवं दुखी को प्रसन्नता एवं धनी को विलासिता प्रदान की है। विज्ञान ने विद्युत शक्ति प्रदान की है, बिजली के प्रकाश घर अब जगमगा उठा, बिजली हमारी दासी बनकर सेवा कर रही है, बिजली का पंखा चल रहा है, गर्मी उत्तलता एवं जाड़े में गर्मी का अनुभव किया जा रहा है। विज्ञान ने हमारे खान पान एवं स्वास्थ्य अभूत कोई प्रभाव डाला, टीवी इंटरनेट तथा कंप्यूटर ने लोगों के विभिन्न अंगों को चित खींचे जा रहे हैं, दूर नहीं जब विज्ञान मृत्यु पर विजय प्राप्त कर शक्ति का परिचय देगा। कठिन कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जैसे हाइड्रक टेलर क्रेन इत्यादि कार उपलब्ध कराए जा चुके हैं जो भी है। और इसके बाद मैं कहना चाहूँगा तीसरा पॉइंट है विज्ञान के साथ
विज्ञान ने अब साफ के रूप में परिलक्षित होता है कल कारखाने एवं आयने ने पर्यावरण को इतना प्रदूषित कर दिया कि मानव सभ्यता का कलंक दिखाई दे रहा है। आज के विश्व की स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी भी समय काल के जाल में समा सकता है। चौथा पॉइंट है उपसंहार। आज के जीवन में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा जो विज्ञान से प्रभावित न होकर आज हर मानव को यह संकल्प लेना चाहिए कि विज्ञान का केवल उस दृष्टि से उपयोग करिए अन्यथा विनाश होने में देर नहीं लगेगी। आप मैं एक गाना सुनाना चाहूंगा थोड़ा सा है। एनटीपीसी का बैलर बनंदो रे, एनटीपीसी का बैलर बनंदो रे, तनक बैलर बनंदो रे, अरे बैलर बनंदो रे, अरे बैलर बनंदो रे, सच्ची सुरक्षा काम करंदो रे, अरे बीएसएल का मटेरियल आनंदो रे, अरे बंकर बनंदो रे, बंकर बनंदो रे, सच्ची से काम करंदो रे, अरे टक्सल को काम करंदो रे, टक्सल को काम करंदो रे, एसपी बनंदो रे, एसपी बनंदो रे, तन्नक बैलर बनंदो रे। जय सुरक्षा, जय भारत।